So welcome friends, once again, today again we will start with the topic electromagnetic induction. Good morning all of you. So beta, yesterday we have seen the Lenz law and Faraday's law. So we have considered that for the electromagnetic induction, the process of electromagnetic induction, what is there, what is the important thing? The important thing is that whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil. So change in the magnetic flux linked with the coil induces EMF as well as current in the coil. So that was our last statement. And today we will start with the same statement. And yesterday I have explained you about the induced current. So today I will try to explain you about the induced EMF. So ye induced EMF kaise hota hai? और उसको कैसे पता करते हैं एंड हाउ टू फाइंड इट. सो विल ट्राई टू गो टू स्टडी अबाउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो आई विल मेक द नेम व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज आवर क्वेश्चन. सो एज यू कंसीडर अबाउट द बैटरी एंड द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, these things are not like that. क्या होता है बेटा, हम तो किसी भी कंडक्टर में अगर आपको करंट प्रोड्यूस करना है, इंड्यूस करना है, इंड्यूस्ड करंट, तो हम क्या करेंगे, इन द विसिनिटी ऑफ दिस कंडक्टर, इन द विसिनिटी ऑफ दिस कंडक्टर आई विल ट्राई टू मूव द मैग्नेट और आई विल मूव द कॉइल इन द विसिनिटी ऑफ द मैग्नेट. So the change in magnetic flux related with this coil will be producing the EMF and induced current. तभी मैंने कल ही आपको बताया था, ऐसे अगर करंट रहना चाहिए, ऐसे अगर करंट रहना चाहिए तो कॉइल का उस पार्ट, उस टाइप का पार्ट वो नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा. तो यहां से अगर साउथ अगर नजदीक आ रहा है तो देर आर टू केसेस. कीप इन माइंड, इफ साउथ इज गोइंग क्लोज टू द कॉइल, कॉइल विल बिकम साउथ. और दूसरा केस क्या होगा, इफ द नॉर्थ इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल, देन ऑल्सो कॉइल विल बिकम साउथ. समझ गए बेटा? तो मैं दिखाता हूं आपको क्या होता है. आई कैसा है मेरा, एंटी, नहीं सॉरी, आई मेरा क्लॉक वाइज है, माई आई इज क्लॉक वाइज. तो बेटा यहां पे दो कंडीशन हो सकता है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. ये वाला फेस मतलब ये, और पीछे वाला फेस मतलब इधर का फेस. तो अभी करंट कैसे है, क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे चल रहा है. करंट क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, अपना यहां पे साउथ होगा. तो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, मैंने एक कल आपको आपको दिखाया था, आई हैव एक्सप्लेन यू यस्टरडे हाउ दिस वर्क्स. आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होने के लिए आइदर मेरा नॉर्थ है वो अवे जाना चाहिए, माय नॉर्थ शुड गो अवे आइदर, और माय साउथ शुड कम टूवर्ड्स. तो अगर साउथ टूवर्ड्स आता है तो भी कॉइल क्या करेगा, उसको रिपेल करने के लिए साउथ तैयार करेगा, नहीं तो अगर नॉर्थ अवे जाएगा तो उसको बुलाने के लिए कॉइल साउथ बनाएगा. ये तो मैंने कल आपको बताया था. तो बेटा ये तो करंट तो हो गया, करंट ऑल अबाउट करंट इज ओवर, देन व्हाट इज अबाउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो लेट मी फर्स्ट टेल यू द कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज टोटली एक्चुअली हाइपोथेटिकल, मीन्स एक्चुअली इट इज देयर बट यू मे कंसिडर दैट टू बी द हाइपोथेटिकल थिंग. क्यों ऐसा बोलते हैं, तो अपन को वो समझने के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वी हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, दैट इज अबाउट द बैटरी. तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, दिस इज अ पॉजिटिव,
एंड दिस इज निगेटिव ऑफ द बैटरी। अंदर में होता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इज देयर इनसाइड द बैटरी। इलेक्ट्रोड के बाद में बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, ये इनसाइड द बैटरी, इसको बताओ इनसाइड द बैटरी, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है। और अभी ये मैं पाथ दिखाता हूँ, ये मैंने बैटरी को शॉर्ट नहीं किया है, मैं इलेक्ट्रॉन का पाथ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। आई एम ट्राइंग टू शो यू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट, सो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव टू मूव होता है कहाँ पे, आउटसाइड बैटरी के आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जाता है। तो सपोज यहाँ पे मैंने इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बीच में रेजिस्टेंस जोड़ा, इसको आर बोला, तो अभी करंट चालू हो जाए। तो बेटा एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव आउटसाइड द बैटरी, तो ये पूरा सर्किट तभी कंप्लीट होता है, पूरा सर्किट तभी कंप्लीट होता है जब इनसाइड भी हम उसका फ्लो कंसिडर करें। तो यहां से अगर ये सोर्स है, यहां से इलेक्ट्रॉन कम होता जाए तो इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली प्रोवाइड होता जाएगा इसको, और यहाँ ये सोर्स बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन दे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट आउटसाइड द बैटरी इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इट इज कंसिडर्ड दैट इनसाइड द बैटरी इट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट। तो इसी सेटअप को अगर मैं कंसिडर करूं यहां से तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको हाइपोथेटिकली ब्रेक करूं, ब्रेक किया तो करंट इसमें से पास नहीं हो पाएगा। लेट मी जस्ट टेल यू दैट वन थिंग, हाइपोथेटिकली आपको ईएमएफ समझने के लिए सपोज हाँ ये बड़ा सपोज इंपॉर्टेंट है, सपोज एक्चुअल में असल में नहीं है, क्या सपोज करो के अ बैटरी ऑफ ईएमएफ इप्सिलॉन इज प्रोवाइडिंग दिस करंट। ये एक्चुअल में असल में नहीं है करंट, वाई द करंट इज मूविंग, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को समझने के लिए आप क्या करो, एक बैटरी कंसिडर करो, जैसे बैटरी के इनसाइड उल्टा होता है। तो अगर ये मुझे पोलैरिटी मिल रहा है, अगर ये मुझे पोलैरिटी मिल रहा है, ये आउटसाइड है, तो इसके लिए मैं एक बैटरी कंसिडर करूंगा, हाइपोथेटिकल बैटरी जिसका पोलैरिटी उल्टा हो जाएगा, मतलब ये आपका बाहर वाला है। तो बैटरी का पोलैरिटी अगर ये इधर से इधर जा रहा है तो जहां पे जा रहा है वहां पे निगेटिव, तो यहाँ पे मेरा निगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मेरा इप्सिलॉन कैसे होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी, ये भी आपको मालूम है। तो ये सब मिलके आ रहा है, तो एक तो मतलब ये आपका जो है ये आपका रेगुलर के लिए फिजिबल नहीं है। जस्ट सपोज करो, कंसिडर करो एक बैटरी ले, तो आउटसाइड अगर इसका ऐसा है तो इनसाइड कैसे होगा, तो इनसाइड उसके उल्टा होगा, इसलिए वो निगेटिव आता है। और इसलिए वो क्या करता है, चेंज इन मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसको अपोज करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन यू विल आस्क मी सर हाउ दिस करंट फ्लोस। ओके, करंट फ्लोस बिकॉज ऑफ द वी कंसिडर ना, वॉट एवर द बैटरी वी कंसिडर, एक्यूरेट इज नॉट देयर। आई टोल्ड यू यस्टरडे हाउ द करंट फ्लोस, इलेक्ट्रॉन को वो कंडक्टर अपने आप में घुमा देता है। लेकिन ये ईएमएफ समझने के लिए वी मस्ट हैव समथिंग ना, अपने पास कुछ प्रोस होना चाहिए, तो उसके लिए ये एक आइडिया बनाया जाता है और ऐसे ईएमएफ को सीखते। तो यू मे कंसिडर
दैट देर इज सम बैटरी विच इज प्रोवाइडिंग दैट करंट, और उस बैटरी को कैसे लेने का है आपको, रेगुलरली हम कैसे लेते हैं, अगर करंट ऐसे है तो इसको बीच में अगर मैंने हाइपोथेटिकली काटा तो इस साइड को क्या आ जाएगा मेरा, पॉजिटिव आ जाएगा और इस साइड को निगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या करने का, इस साइड को निगेटिव लेने का और इस साइड को पॉजिटिव लेने का और आगे जाने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ये मैंने आपको क्यों बताया, इन मेनी प्रॉब्लम्स देर इज अ नीड ऑफ कैलकुलेटिंग द ईएमएफ एंड द डिरेक्शन प्लस माइनस। सो इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ द करंट इज फ्लोइंग। तो ये केस हो गया, और इन दिस वे वी कैन कंसिडर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। सो बेटा नाउ लेट अस समराइज द थिंग्स। ओके, तो पहले हमने क्या सीखा, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ के बाद में हमने सीखा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसका फॉर्मूला मैंने अभी दिया आपको। ई बोलते हैं, नहीं तो उसको इप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, इसका ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कई कई बुक में इप्सिलॉन दिया है, कई कई बुक में ई दिया है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग कंसिडरिंग एनी। सो नंबर वन, अगर मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना है तो मैंने क्या बोला आपको, मैं कैसे लिखूंगा, इप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। Yesterday I have told you about minus n d phi v by dt. वो किस लिए बोला था, अगर उसको n number of turn है, ऐसा अगर हम consider करते हैं, तो that was about the induced EMF. Now अपन को दो चीज का derivation करना है। Second इसको बोलते induced current. तो अभी मैंने आपको बताया, just now I have explained about the induced current and induced EMF. So from that we will try to get the value of induced current. So I kaise aata hai, I is equal to E upon R or epsilon upon R. Ye kahan se nikala maine, from Ohm's law. But here yahan pe kya hai, epsilon ka value kitna hai, minus d phi by dt. To main kya इसको वन बोलू, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन क्या मैं लिख सकता हूं, मेरा आई इज इक्वल टू ये वन बाय आर और ये माइनस साइन, सो माइनस वन बाय आर डी फाइव बाय डी टी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला व्हिच विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द करंट थ्रू द कंडक्टर, दैट इज द इंड्यूस्ड करंट। So, ये बन गया अपना इंड्यूस्ड करंट। सो ये वी आई एम पी वन, इसको बोलता हूं वी आई एम पी टू। तो मैंने पहले क्या सीखा, कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद हाउ वी गेट द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के बाद, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वन बाय आर इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब E अपॉन R। यहाँ पे भी माइनस साइन आता है, इसीलिए आपको वो हाइपोथेटिकली जो हम प्रेजेंट कर रहे थे इंड्यूस्ड ईएमएफ को, मैंने क्या बोला था, अगर करंट ऐसे है तो इसके उल्टा पोलरिटी बैटरी का लेने का रेगुलरली। ओके, लेकिन ध्यान में रखना है आपको, अगर आपने ऐसा कॉइल लिया और ऐसा रखा, देर विल नॉट बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है क्यों, क्योंकि अगर वायर जुड़ी हुई नहीं है, इफ द वायर इज नॉट कनेक्टेड हियर, इफ इट इज ब्रोकन, देन टेल मी बेटा हाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल कंटिन्यू टू मूव इन दैट। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी कंटिन्यूइंग टू मूव थ्रू द कंडक्टर। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस, अगर अपने कॉइल में अगर कहीं पे भी छेद है, इफ देर इज सम कट इन द कॉइल, देन कितना भी आप मैग्नेट को कितना भी जोर से उसके आसपास ये करो, उसके आसपास आगे पीछे करो, आई विल नॉट गेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके लिए पूरा होना चाहिए, हाँ वो सर्कुलर होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, ट्रायंगुलर होगा, कैसे भी होगा, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, आई एम वरीड अबाउट द कंटिन्यूटी। तो कॉइल अगर कंटिन्यूस नहीं है, देन यू विल
नॉट गेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन समझने के लिए हम क्या करते हैं, वो कॉइल के बीच में हम एक बैटरी दिखाते हैं, दैट इज हाइपोथेटिकल। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट थिंग कौन सा है अपना, ये हमने सीखा ईएमएफ करंट सीखा। थर्ड होता है वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, मेनी टाइम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इट कम्स, दिस इज ऑल्सो आईएमपी एंड दिस इज वीआईएमपी, इसके बीच में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, इंड्यूस्ड चार्ज। तो हाउ टू फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज, तो आपको मालूम है इंड्यूस्ड चार्ज को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं अभी, ठीक है यहां पे कर देता हूं। आपको आपको मालूम है, यू आर नोइंग दैट क्यू इज इक्वल टू आई टी, ये सिंपल है। लेकिन असल में आई कैसे लिखते हैं, असल में आई कैसे लिखते हैं, वी आर राइटिंग आई एज डी क्यू बाई डी टी। तो आई को अगर मैंने डी क्यू बाई डी टी लिखा तो मेरा डी क्यू कितना बन जाएगा, वैसे हम चार्ज को निकालेंगे। तो अपन को क्या निकालना है, क्यू ही निकालना है, लेकिन वी हैव टू फाइंड इट इन अनदर वे। कैसे निकालेंगे दिखाता हूं। I is dq by dt, तो क्या मेरा dq बन जाएगा I dt? तो अभी from to I का वैल्यू इसमें डालने का, उसको dt से मल्टीप्लाई करने का, तो कितना बन जाएगा, I का वैल्यू कितना है, माइनस वन बाय आर डी फाइव बाय डी टी इंटू डी टी। तो इधर का तो डिफरेंशिएशन मतलब रेट रेट ऑफ चेंज वो निकल जाएगा। तो लास्टली मेरे को क्या मिलेगा, माय डी क्यू इज इक्वल टू, माय डी क्यू विल बी इक्वल टू, क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस माइनस वन बाय आर, माइनस वन बाय आर डी फाइव। तो अगर अगर मेरे को मिल रहा है डी क्यू डी क्यू एज माइनस वन बाय आर डी फाइव, तो मेरा क्यू कैसे बन जाएगा, क्यू बन जाएगा इंटीग्रेशन डी सॉरी इंटीग्रेशन डी क्यू। ओके इधर तक बात समझ में आ गई आपके, तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन, नो प्रॉब्लम। तब तक मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ बोर्ड से। ओके तो हमने सीख लिया इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द इंड्यूस्ड लर्न फॉर द इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज कैसे होता है, अभी हमने आधा उसका डेरिवेशन कंप्लीट किया, डेरिवेशन ऐसा नहीं है वो समझने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या करने का है, क्यू मिल गया मुझे, तो क्यू कैसे लिखेंगे, सो क्यू विल बी इंटीग्रेशन डी क्यू का वैल्यू कितना है, माइनस वन बाय आर डी फाइव। तो माइनस वन बाय आर को बाहर निकलता हूँ, इंटीग्रेशन डी फाइव लिखता हूँ, ये आएगा मेरा माइनस वन बाय आर इंटू डी फाइव का इंटीग्रेशन फाइव। सो फाइव वन टू फाइव टू, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस वन बाय आर इंटू फाइव टू माइनस फाइव वन, और ये माइनस साइन है इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन आर। सो वी हैव गॉट वेरी पॉपुलर फॉर्मूला फॉर द इंड्यूस्ड चार्ज। सो आई स्टार्टेड विथ समवेयर आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी एंड वी हैव गवर्न we have governed the value for induced charge. तो induced charge कैसे मिलेगा, induced charge will be phi 1 minus phi 2 upon r. तो flux कहां से कहां change हो रहा है, initial flux minus final flux
अपॉन द रेजिस्टर ऑफ द कॉइल, कॉइल जो दिया है कॉइल को कितना रेजिस्टेंस है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट. सो आई विल सजेस्ट यू टू टैबुलेट दिस थ्री थिंग्स. ऑलरेडी आई थिंक आई हैव गिवन यू वन पीडीएफ, तो उसको पीडीएफ को देख लो. आज मैं आपको पहले ही वो पीडीएफ दिया है, तो वो पीडीएफ में देख लो. मैंने आपको ये इसके पिक्स भी भेजे हैं, इसके मतलब इसके नहीं है, मैंने बुक्स के बुक से उठा के और थोड़ा सा खुद लिखते हुए इसके पिक भेजे हैं. तो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट. तो आगे हम जाते हैं इसको टैबलेट करने के लिए. तो फटाफट बना देता हूँ. इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये तीन फॉर्मूला आपको लिखना होगा, एप्सिलॉन माइनस डी फाई बाई डी टी. बाद में इंड्यूस्ड करंट कैसे बताया था मैंने, आई इज इक्वल टू माइनस वन बाय आर डी फाई बाई डी टी. मेरे को मालूम है थोड़ा सा इसको गीले फड़के से ये किया है ना, इसलिए ये थोड़ा लिखने में थोड़ा सा फेंट हो जाएगा. अगर दिखाई नहीं दिया तो मेरे को बोलो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ. और इंड्यूस्ड चार्ज कैसे बन गया, इंड्यूस्ड चार्ज बन गया क्यू इज इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन आर. सो दैट वॉज ऑल अबाउट इंड्यूस्ड ई एम एफ, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस थिंग विल कम फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन. यहाँ से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द इंड्यूस्ड ई एम एफ, करंट एंड चार्ज. तो हमने पहला पार्ट उसका कंप्लीट कर दिया है, जहाँ पे हमने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे सीख लिया. सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. सो फ्रेंड्स, आफ्टर लर्निंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट, अब हमें देखना होगा द मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग द ईएमएफ और करंट. मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ और करंट. तो किसी भी कंडक्टर में अपन को ईएमएफ या करंट कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, तो पहले क्या सीखा था आपको, फ्लक्स कैसे दिया है, फाइ इज इक्वल टू पी बी डॉट ए. तो कहीं पे भी फ्लक्स अगर चेंज करना है तो फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड एंड दूसरा एरिया. अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल, बट बीच में उसको डॉट प्रोडक्ट, डॉट है ना, बीच में उसको डॉट है, मतलब मेरा फाइ क्या बन जाएगा, बी ए कॉस थीटा. तो ये तीन चीज पे अपना क्या होता है, जो मेरा ईएमएफ और करंट है दैट विल डिपेंड. वो तीन चीज क्या है, तो पहली वाली चीज है फर्स्ट थिंग. सो आई विल राइट ओवर हियर ओनली, सो दिस आई विल रब. तो पहला क्या बन जाएगा, पहला मैंने बताया बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, जो रीजन है, जो अपना कॉइल जिस रीजन में रखा है, कॉइल कहाँ गया मेरा, हाँ सपोज ये मेरा कॉइल है, तो ये रीजन में मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड किया है. तो अगर इस कॉइल में करंट इंड्यूस करना है, ईएमएफ इंड्यूस करना है, तो ऑफकोर्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट शुड नॉट बी यूनिफॉर्म. यू हैव टू कीप इन माइंड, हाँ ऑलवेज कीप इन माइंड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेवर इज नेवर एबल टू इंड्यूस द करंट और ईएमएफ. अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो कहता है आपका इंड्यूस ईएमएफ का प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके लिए क्या क्या चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए एक तो हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन ऑफ द कॉइल. ओके,
सेकंड सेकंड क्या कर सकते हैं, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल। तो अगर मैंने एक कॉइल लिया जिसका एरिया मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब क्या, एक बीच में मैंने क्या किया ऐसा एक ये तैयार किया आपका, क्या होता है कैनल, हाँ क्लोज्ड कैनल तैयार किया यहाँ पे बीच में, इतना पकड़ो छोटा। और ये कॉइल है, इस अभी इस कॉइल का एरिया कैसे है, फिक्स है, दिस कॉइल हैज फिक्स एरिया। अगर अगर मैं क्या करूं के ये जो मैग्नेटिक फील्ड का कैनल बना है, क्लोज कैनल, क्लोज मतलब एक्चुअली क्लोज नहीं है, खाली यहाँ ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे पानी बह रहा है फॉर एग्जाम्पल, और इसके बीच में मैं कॉइल डाला, तो पानी उसके अंदर से कैसे जाएगा, हाउ द वाटर विल गो थ्रू दैट। द सेम वे सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर एंड आई विल स्लोली और रैपिडली, आई विल रैपिडली मूव दैट कॉइल थ्रू दैट एरिया। तो अभी क्या हो जाएगा, कभी एक एक टाइम आएगा कि कॉइल के इस हाफ में से ही मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, इस हाफ में से नहीं है। तो जहाँ जब जब कॉइल ऐसा पूरा वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा, तो कॉइल का एरिया चेंज हो जाएगा, तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स अगेन व्हाट विल हैपन, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ये सेकंड। और थर्ड चीज ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये रीजन है, यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और एट फर्स्ट सपोज माई कॉइल वॉज ओरिएंटेड लाइक दिस, तो नाउ एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, सपोज एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। अभी मैंने क्या किया, फोर्सेबली मैंने क्या किया, इस कॉइल को ऐसे ओरिएंट किया थोड़ा सा ऐसे, तो अभी क्या हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर यहाँ चला जाएगा, तो अभी ये क्या करेगा, ये एंगल बनाएगा मेरे मैग्नेटिक फील्ड से। तो एट फर्स्ट यहाँ ए था, यहाँ बी था, अभी क्या बन गया, यहाँ ए बन गया और यहाँ बी बन गया, सो यहाँ पे अभी एंगल चेंज हो गया, सो कॉस थीटा इज देयर ना, कॉस, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंगली, और वो चेंज होने से भी आपका फ्लक्स चेंज हो सकता है, एंड ड्यू टू फ्लक्स चेंज यू विल गेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ टू इंड्यूस द ईएमएफ और करंट इन द कॉइल। नाउ विल गो फॉर वन कंसेप्ट, नाउ विल गो फॉर वन कंसेप्ट दैट इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। मैंने आपको जो बताया था चेंजिंग द एरिया, सो उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूसिंग ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया। मैंने क्या किया, सपोज ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको रियल टाइम में आपको करना होगा, ऑल टाइम यू हैव टू डू दैट। तो सपोज मैंने क्या किया, एक रीजन लिया और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे सोचा, एंड आई हैव सपोज वन कंडक्टर ऐसे ही शेप लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने एक ऐसा रेक्टेंगुलर कंडक्टर ओपन लिया, बाद में उसको क्लोज करेंगे, कैसे करेंगे बताता हूँ। तो ये मेरा कंडक्टर है, थोड़ा इसको डार्क किया आपको दिखाई देंगे, और यहां मैं एक
फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब एक रॉड लिया, ये इसके ऊपर स्लाइड हो सकता है, तो इसको ये रॉड टच करेगा। सो क्या हुआ अभी, रॉड टच करेगा तो रॉड के टच करने से ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं इस रॉड को यहां और यहां, अगर इफ आई विल मूव दैट रॉड देन आई विल चेंज द एरिया। मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है। तो अगर मैंने रॉड को इधर उधर चेंज किया देन आई विल गेट चेंज इन द एरिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सपोज सपोज इस रॉड को मैंने वी वेलोसिटी से, ओ सॉरी, सपोज रॉड को मैंने वी वेलोसिटी से यहां पे खींचा, रॉड को मैंने वी वेलोसिटी से यहां से खींचा, तो एक डिस्टेंस उसने कवर किया, उसको बोलता हूं सपोज डेल्टा एक्स। सपोज द रॉड हैज कवर्ड द डिस्टेंस डेल्टा एक्स एंड एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, सो वी क्या है, वेलोसिटी विथ विच द रॉड वॉज पुल्ड, डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉड एंड एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड। सो आई सजेस्ट यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम विथ यू, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। ओके बेटा, तो अभी क्या किया मैंने, उसको रॉड को यहाँ पे मूव कर दिया, तो मैं डॉटेड लाइन से रॉड का नया वाला पोजीशन इस यहाँ पे कर लेता हूँ। ये थोड़ा मेरा नीचे चला गया लगता है, इट शुड बी द प्रॉपर वे ना, लाइक दिस। ओके ओके, तो ये पुराना पुराना वाला पोजीशन, ये नया वाला पोजीशन, तो इसको मैं डॉटेड डॉटेड से कर देता हूँ। तो वही रॉड मैंने यहां से यहां किया, तो अब इसको लिखता हूं मैं ए बी सी डी, नहीं तो सी डी यहां पे कर देता हूं और यहां पे सी डैश और डी डैश कर देता हूं। अभी देखो अपन को क्या निकालना है, मोशनल ईएमएफ। तो अपन को निकालना है ईएमएफ। तो ईएमएफ कैसे आता है, ईएमएफ आता है एप्सिलॉन विल बी माइनस डी फाई बाय डी टी। तो आपका ईएमएफ कैसे आएगा, एप्सिलॉन विल बी माइनस डी फाई बाय डी टी। तो अभी यहां पे फाई कितना है, तो फाई लिखने के लिए फाई कैसे लिखते हैं, बी इंटू डी ए, ओके, इंटू कॉस थीटा। ओके, तो यहां पे कॉस थीटा मतलब ये जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर, उसको पैरेलल लेने का, एरिया परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर उसको पैरेलल रह जाएगा, तो ये इधर कॉस थीटा लिखने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ बी डी ए, इसी का मतलब है आई कैन फर्दर राइट फाई एज, देखो ठीक से, मैग्नेटिक फील्ड, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, इन टू चेंज इन एरिया, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। तो अभी दोनों कैलकुलेट करते हैं, तो फाइव कितना बन जाएगा, यहां पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो फाइव बन जाएगा मेरा बी इंटू चेंज इन एरिया, कैसे करेंगे, तो बड़ा वाला एरिया कौन सा है आपका, ए बी सी डैश डी डैश, तो ए बी सी डैश डी डैश माइनस ये कितना बन जाएगा, ए बी सी डी माइनस ए बी सी डी। तो इसी को बेटा मैं लिख सकता हूं बी इंटू, देखो अभी ए बी सी डैश डी डैश से
ए बी सी डी निकाल दिया तो क्या बचता है? ये वाला एरिया बचता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए ऐसे इसको मैंने शेड किया। तो इसको शेड करने के बाद क्या मिला मुझे? ये लेंथ इंटू ये ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है? एल इंटू ये कितना? डेल्टा एक्स। और इसको डी एक्स बोलते हैं। अपने को डी डी टी निकालना है तो इसको डी एक्स बोलते हैं। यहाँ पे मैं उसको डी एक्स कर देता हूँ। अभी कितने वेलोसिटी से मूव किया है? वी वेलोसिटी से। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी स्पीड इंटू टाइम। सो बट क्या हो जाएगा? डी एक्स विल बी इक्वल टू वी डी टी। तो अगर डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट और देयर फोर माई फाइव विल बिकम बी इंटू एल इंटू वी डी टी। तो ये बन गया मेरा फाइव। आई गॉट माई फाइव लाइक दिस, बी इंटू एल इंटू वी डी टी। तो अभी अपन को क्या करना है? उसको डिफ्रेंशिएट करना है। आई हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस। तो मैं कहाँ करूँ? अभी यहाँ पे करता हूँ क्योंकि ये मैंने आपको दिखाया है। ओके, तो इफ यू वांट देन यू मे नोट डाउन बाय रिवाइंडिंग द वीडियो। ओके, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाउ आई कैन राइट? सो वेट फॉर अ वाइल, लेट मी रब द बोर्ड। ओके, कैसे लिख सकता हूँ मैं? सो हाउ आई कैन राइट दैट डी फाइव बाई डी टी, सो ई विल बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव। कितना है अपना? बी एल वी डी टी, बराबर। तो सिंपल है। तो मेरा ई कितना हो जाएगा? माइनस बी एल वी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपन को। अपन को उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब उसका साइन में यहाँ तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये निगेटिव वगैरह क्यों होता है आपको मालूम है? अभी इतना मैंने बताया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इट अपोजेस द दैट ऑल इज देयर, सो निगेटिव साइन कम्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल ईएमएफ। तो अगर एग्जाम में आपको आएगा प्रॉब्लम देन इट विल बी बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये चौथा फॉर्मूला हो गया। पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ, बाद में इंड्यूस्ड करंट, बाद में इंड्यूस्ड चार्ज। नाउ दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एज द मोशनल ईएमएफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एंड मेनी टाइम्स देर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड ऑन द मोशनल ईएमएफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, so I suggest you to note this down. We will go for the point. Okay. Okay, friends. So after this, we will start to get one more formula. Just formula only. The derivation is not there for you. तो वो क्या है? अगर मैं किसी rectangular conductor को same जैसे हमने motional ईएमएफ का पता किया था सेम, अगर मैं रेक्टेंगुलर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करूं आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो जाएगा? तो सपोज ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर है और यहां से मैंने इसको मूव किया, कितने वेलोसिटी से? वी। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। ओके, ओके, तो क्या होता है? यहां पे फोर्स लगता है उस कंडक्टर पे, फोर्स लगता है और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और बचता है ये फोर्स यहां पे। तो देखो,
किसी भी कंडक्टर को ऑलरेडी वो मैग्नेटिक फील्ड में है, आप समझोगे कुछ नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड में उठा गया ना, ऐसा नहीं होता है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है एंड इफ यू आर ट्राइंग टू मूव इट, देन ऑफ कोर्स यू आर ट्राइंग टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, सो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दैट। और करंट इंड्यूस होगा तो आपका एक फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, दैट इज आई इंटू एल क्रॉस बी। तो अगर आप उसको या ऐसे कर ऐसे है और अगर उसको मूव कर दें तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वहां पे, तो ऐसे करंट मूव होने लगा, इंड्यूस करंट, है ना, तो उसका उल्टा, तो ऐसे नीचे आएगा, नीचे आया आई, आई इंटू एल मतलब एल ये इधर है नीचे, और एल क्रॉस, सॉरी एल ऊपर जाएगा, सॉरी ऐसे ना, क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो एल ऊपर जाएगा, एल क्रॉस बी, तो यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे है ना, ऐसे जा रहा है, एल क्रॉस बी ऊपर जाएगा, उतना ही उल्टा, मतलब ऐसा एल क्रॉस बी। फिर से दिखाता हूँ, एज सुन एज आई मूव द कंडक्टर द फ्लक्स गेट्स चेंज्ड, कंडक्टर को मैं क्लोज लूप चाहिए, रेक्टेंगुलर लूप, तो अगर मैं उसको मूव करूँ तो क्या होता है, द फ्लक्स गेट्स चेंज, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स करंट गेट्स इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, वो कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे 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 और ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी केस नंबर वन ये ऐसे हो गया, तो यहाँ पे आई इंटू एल क्रॉस बी अगर लेना है तो आई का जो डिरेक्शन होगा वही मैं एल का ले लूंगा, तो एल क्रॉस बी कैसे आएगा, ऐसे अंदर चला गया, ये गोइंग इन है ना, तो एल क्रॉस बी ये कहाँ गया, ऊपर आ गया। दूसरा केस, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो एल क्रॉस बी, तो ये अंदर है, तो ऐसा ये एल है, ये एल यहाँ से है, यहाँ से मेरे को ऐसे जाना है, मतलब ऐसा, तो ये फोर्स मेरा कैसे कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये कंडक्टर अगर ऐसे है, ये सिंपल एकदम, और बी इनसाइड है, ये ऐसे दिखाता हूँ इसको, बी अंदर है, तो मैं कैसे जाऊँगा, ऐसे, तो मेरा फोर्स यहाँ पे, सो व्हाट विल हैपन, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स दे विल कैंसिल ईच अदर, एंड व्हाट द रिमेनिंग विल बी देयर, दैट विल बी दिस फोर्स। सो व्हेन एवर वी मूव अ कंडक्टर आउटसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ट्राई टू मूव अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर आउटसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस द फोर्स। सो यहाँ पे आपको कौन सा एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना होगा, सॉरी फोर्स एक्सपीरियंस्ड, अरे यहाँ, हाँ यहाँ पे मैंने ये किया था ना, जस्ट आई रब दैट बिकॉज ऑफ दैट, आई थिंक बिकॉज ऑफ लॉकडाउन देर आर मेनी प्रॉब्लम्स, समस्याएं तो बहुत है, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय रेक्टेंगुलर कॉइल मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैंने इतना क्यों लिख के दिया, मैं आपको बता भी सकता था, लेकिन आपको जब प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम में कभी कभी वो डायरेक्टली आपको ये एक्सप्लेनेशन दे देंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायग्राम इज देयर, अगर नहीं है तो आपको ये एक्सप्लेनेशन अगर याद है तो आपको भी मालूम हो जाएगा कि ये मेरा ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम है। तो क्या निकालने का, अपन को फोर्स एक्सपीरियंस बाय रेक्टेंगुलर कॉइल व्हेन वी आर मूविंग इट आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, अपन को यहाँ पे वो डेरिवेशन डिराइव करना नहीं है। ओके, तो फॉर्मूला है बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एल उसका लेंथ कितना है वो दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा बी
मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इन, ये क्या बन गया उसका लेंथ बन गया v, मैंने दिखाया ऑलरेडी v वेलोसिटी, और r, r क्या है, r ये कंडक्टर जिस चीज का बना होगा उसका रेजिस्टिविटी होगा कांस्टेंट, उसके मुताबिक तो उसका लेंथ कितना है, तो उसका थिकनेस कितना है, तो उसको r अपना बन जाएगा, r विल बी रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का पूरा मिला के कितना जो रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा। तो दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला आई गिव यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज, मोशन एंड ईएमएफ, एंड दिस वन इज फिफ्थ वन, फोर्स एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है। सो इसके भी, इसको भी आप वी आई एम पी करके रखो, दैट्स ऑल। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस स्टफ, नाउ विल गो फॉर सम प्रॉब्लम्स, आई विल सॉल्व सम टू प्रॉब्लम्स विच आर गिवन इन योर शीट। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन द शीट ऑफ टूडेज डेट एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके। एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज द ईडी करंट्स, एंड रिमेनिंग प्रॉब्लम्स विच आर देयर, दे हैव एक्चुअली सॉल्व, एक्चुअली टोटली सॉल्व प्रॉब्लम्स आई हैव गिवन यू, दोज प्रॉब्लम्स आई विल डिस्कस इन द टुमारोज लेक्चर। सो फर्स्ट लेट अस सॉल्व दिस टू प्रॉब्लम्स एंड देन वी विल गो फॉर ईडी करंट्स। सो प्रॉब्लम नंबर वन, सेम प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, सी पीडीएफ। तो क्या दिया बेटा, एट अ सर्टन लोकेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, एट अ सर्टन लोकेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है आपको मालूम है, अगर मैं अर्थ लिया तो ये बन गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ये बन गया साउदर्न, सदर्न। तो इस एरिया में कहीं पे भी द अर्थ्स मैग्नेटिक लाइट फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 42 माइक्रो टेस्ला। तो यहां पे गिवन क्या दिया है, गिवन आपको दिया है बी दिया है, बी बी कितना दिया है, कितना दिया है 42 माइक्रो टेस्ला, ओके। और क्या दिया है, एंड पॉइंट्स टूवर्ड्स, सॉरी, एंड पॉइंट्स डाउनवर्ड्स एट 57 डिग्री टू द वर्टिकल, ओके। तो यहां पे आपको थीटा दिया है, लेकिन वो कैसे समझने का वो दिखाता हूं, 57 डिग्री विद द वर्टिकल, ओके। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना दिया है 2.5 मीटर या सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो मेरा डीप नीडल वगैरह मैंने बताया था, तो वो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन वो कैसे जाएगा, अगर ये मेरा पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे ही दिखाता हूँ, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ऐसे ऐसे होके जाएगा। तो वहाँ पे वो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वहाँ का, तो मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी पैरेलल टू दैट सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी पैरेलल टू दैट सरफेस। तो अगर ये ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, देन व्हाट दे हैव गिवन फील्ड लाइंस आर मेकिंग एंगल 57 डिग्री विद द वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल निकालने का जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल क्यों निकालने का,
अपन को वो समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो अभी इस ये मेरा बन गया मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने आपको फिगर भी निकाल के दिया, और ये कितना बना था, कितना बना रहा है यहाँ से लेने का, ये और ये एंगल सेम रहता है, तो ये लिया तो भी चलेगा, ये लिया तो भी चलेगा, ये बनता है मेरा 57 डिग्री। तो अभी ये वर्टिकल है और ये ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे अगर मुझे एरिया लेना है तो इसको मेरे को एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा हॉरिजॉन्टल है एरिया तो मेरा एरिया वेक्टर एक तो ऊपर जाएगा एक तो नीचे जाएगा, और इसके साथ बने तो नीचे वाले एरिया में आपको लेना पड़ेगा। रिगेटिंग माय पॉइंट फिर से बता देता हूँ, अगर मैं ये मेरा हॉरिजॉन्टल ले लूँ तो इसका एरिया वेक्टर दो होता है, एक तो अप एक तो डाउन, और इस हॉरिजॉन्टल से ये सपोज मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो इस हॉरिजॉन्टल से अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर रहा है ऐसे, और वो एंगल मेजर क्या है वर्टिकल से, मतलब क्या ये ऐसे चला गया नीचे से ऐसे पास हो गया, तो वर्टिकल से उसने कितना एंगल किया वो दिया है उन्होंने 57 डिग्री। ओके, सो व्हाट दे हैव गिवन, व्हाट दे हैव गिवन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, तो व्हाट दे हैव गिवन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना दिया है 57 डिग्री। तो अभी सिंपल है, तो उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, तो फ्लक्स निकालना क्या है ये सरफेस में कितना आएगा, सो वेरी सिंपल इट इज, देयर इज नो प्रॉब्लम, विल ट्राई टू डू दैट। ओके ठीक है, मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आता है, फाइ इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी कितना दिया बेटा 42 माइक्रो टेस्ला, 42 × 10⁻⁶ टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय ए कितना दिया है 2.5 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस 57। तो अभी उन्होंने कॉस 57 का वैल्यू वगैरह दिया नहीं है, तो कैलकुलेट करने से आपको मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका मैंने कैलकुलेट किया, इसका आंसर मैंने निकाला है कितना आ रहा है 57.2 × 10⁻⁶, इस सब का 52.7 × 10⁻⁶ वेबर, ये माइक्रो टेस्ला किया है ना, टेस्ला टू वेबर हम कर सकते हैं, तो वेबर में दिया है ये, मैंने क्या किया उनका आंसर दिया हुआ था तो मैंने मेरा कैलकुलेट करके वो आंसर वो चेक किया, आंसर इज कमिंग, खाली वो क्या करेंगे इसको अभी ये -6 है तो इसको माइक्रो में कन्वर्ट करने का, खाली लिख देने का 52.7 माइक्रो वेबर, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, लेकिन उसको ऐसा घुमा घुमा के पूछा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये साउदर्न, वो क्यों बोला है आपको कि आपको वो मालूम होना चाहिए, मतलब आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है, सो दैट वॉज द प्रॉब्लम नंबर 1। नाउ लेट्स गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बोला है आपको, प्रॉब्लम नंबर 2 में दिया है आपको ए स्क्वायर लूप ए सी डी ई ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे साथ साथ आप भी आपके पीडीएफ में देखते जाओ तो आपको दिक्कत नहीं आएगा बेटा। ओके, स्क्वायर लूप ए सी डी ई ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 5 ओहम इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 2 टेस्ला थ्रू 180 डिग्री, फर्स्ट दिया है 0.01 सेकंड में और दूसरा दिया है 0.02 सेकंड में, और क्या 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 पूछा है आपको, ई पूछा है, आई पूछा है और डेल्टा क्यू पूछा है, ठीक है, तो ठीक तो अभी मैंने आपको डायग्राम भी दिया है, तो अभी उसको स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 2 PDF। तो यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया है, फटाफट बनाता हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्या होता है सब मार्कर को यूज करना पड़ता है, नहीं तो उनका इंक का प्रॉब्लम होता है,
अगर नहीं किया तो वो इंक सूख जाएगा, और आपको मालूम है लॉकडाउन है, इंक बाद में नहीं मिलेगा। तो और इसको कैसे घुमाया अभी? इसको ऐसे घुमाया है। सो इनिशियल एंगल ऑफ कोर्स जीरो लेने का, पहले तो एंगल कुछ नहीं करेगा, और फाइनल एंगल क्या क्या लेने का, इसको बोलता हूँ थीटा 1। थीटा 2 को कितना दिया? रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, मतलब ऐसे था, उसको 180 डिग्री से रोटेट किया, तो थीटा 2 विल बी पाई। ओके, और उन्होंने क्या पूछा है? ई पूछा है ना, क्या क्या पूछा है? मैं पूछा है ई आई एंड डेल्टा क्यू। ओके, थीटा 1, हाँ, इन 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड एंड इन 0.02 सेकंड। ओके, तो इसको T1 ले लो 0.01 सेकंड, इसको 2T ले लो, T2 ले लो 0.02 सेकंड, बन गया। ठीक है, तो पहली केस में 5-1, पहले 5-1 निकालते। 5-1 कैसे आएगा? BA cos θ1। तो 5-1 कितना बन जाएगा मेरा? B कितना दिया है? हाँ, वो भी लिखना पड़ेगा। बी अपन को दिया है, बी दिया है 2T, 2 टेस्ला, और एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 20 सेंटीमीटर मतलब 20 × 10⁻⁴ m². ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितना बन जाएगा 2T, नहीं तो 5T भी लिख के लेते हैं और बाद में करते हैं। 5T कितना आएगा? BA cos θ2। देयरफॉर डेल्टा फाई कितना आएगा? BA कॉमन आएगा, BA 5-1 - 5-2। सो डेल्टा फाई कितना बन जाएगा मेरा? BA into, सॉरी, 5-1 नहीं, cos 5-1 - cos 5-2 cos 0 1 - cos 180, ये कितना हो जाएगा? -1। तो ये कितना बन गया? 2BA, दैट इज 2 × 20 × 10⁻⁴। तुम्हारा डेल्टा फाई कितना बन गया? 4 to the 8, 80, 80 × 10⁻⁴, ये बन गया डेल्टा फाई। ओके, तो अभी अपन को क्या क्या पूछा उन्होंने? ई आई एंड डेल्टा क्यू। तो आपको मैंने हिंट दिया है, उस हिंट के मुताबिक आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ क्या करने का, अभी इसको मैं हटा देता हूँ। सो व्हाट विल डू? वी विल डू वन थिंग, विल टेक दैट डेल्टा फाइ हियर, एंड डेल्टा टी कितना आएगा? डेल्टा टी आएगा आपका T2 - T1। तो डेल्टा टी कितना बन जाएगा? डायरेक्टली करते 0.01 सेकंड। तो पहले ई निकालते हैं, ई कितना आएगा? माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई कितना आया? 80 × 10⁻⁴ अपॉन डेल्टा टी कितना आया मेरा? 0.05। इसका आंसर आप कैलकुलेट करो। आई बोले, आई का फॉर्मूला क्या आएगा? मैं खाली फॉर्मूला बताता हूँ, आप बाद में उसका आंसर करके मुझे दिखाओ। यू जस्ट शो मी योर नोटबुक। आई विल बी क्या आएगा उसका? -1/r × d5/dt। तो ये d5/dt का, सॉरी, Δ5/Δt यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हमने निकाला है Δ5/Δt। और क्या पूछा है? Δq सिंपल है। Δq कैसे आता है? Δq इज इक्वल टू I Δt, I × Δt। तो मतलब इसको निकाला मैंने, तो -1/r Δ5। तो दीज आर द हिंट्स, ये आपको मैंने हिंट दिया है, और उसका आंसर कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के बाद मेरे को व्हाट्सएप कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्लक्स। सो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अनदर मीन्स वॉट एवर आई टोल्ड यू अबाउट द फोर्स,
और बी एल वी दैट बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये जो प्रॉब्लम है वी विल सॉल्व देम टुमारो। आर गेटिंग माई पॉइंट? सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन एंड कंप्लीट द प्रॉब्लम इन योर नोटबुक। सो फ्रेंड्स, नाउ विल स्टार्ट विद एडी करेंट्स। सो वॉट आर द एडी करेंट्स दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। एडी करेंट्स, इसको फोकल्स करंट भी बोलते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है, फोकल्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसको इनको डिराइव किया था, इनको फाइंड किया था, इसके लिए उसको फोकल्स करंट भी बोल सकते हैं। एडी किससे आता है वर्ड? एडी मतलब एडीज, एडीज, और उसको वर्लपूल भी बोल सकते हैं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, एडवर्टाइज था ना वर्लपूल का। तो वर्लपूल का मतलब क्या है? ये वर्लपूल वर्ड से उसका एडवर्टाइज किया है। वर्लपूल्स मतलब ऐसे कॉन्सेंट्रिक होते हैं ना। ओके, तो सेम डायरेक्शन में, तो ये वॉशिंग मशीन में होता है ऐसा, पानी एक डायरेक्शन में घूमता है ना, तो क्या होता है जैसे जैसे वो घूमने लगता है वो नीचे जाता है, बीच वाला पोर्शन नीचे जाता है। आपने बॉटल घुमा घुमाने के बाद भी देखा होगा, इट गोज लाइक दिस इट इज मेकिंग। सो वर्लपूल्स आर लाइक दिस। ओके, तो क्या होता है, सपोज क्या करो, आप एक मेटल मेटल ब्लॉक ले लो, एक मेटल ब्लॉक ले लो, एंड यू कीप द मेटल ब्लॉक इन द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये मेटल मेटल ब्लॉक लिया मैंने, एंड आई हैव केप्ट दैट मेटल ब्लॉक इन टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो वॉट हैपन्स इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, देन ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और ये मेटेलिक ब्लॉक है, तो क्या हो जाएगा, ये मेटेलिक ब्लॉक में EMF और करंट चालू हो जाएगा, इंड्यूस्ड होना। तो लेकिन अभी ये मेटेलिक ब्लॉक है, इस सरफेस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ध्यान में रखना है, ईडी करंट को हम सरफेस करंट भी बोल सकते हैं। इट इज अ सरफेस फेनोमेनन, सो दे ऑन सरफेस वी कैन सी द ईडी करंट। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऐसे सर्कुलर करंट्स चालू होना ये होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ऐसे ऐसे सर्कुलर करंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे, मतलब ये नॉट ऑलवेज लाइक दिस। मतलब आप उसमें आप मेरे को पूछोगे कि सर ऐसे कैसे होता है, मतलब आई विल करेक्ट दैट, अदरवाइज आई विल विन प्रॉब्लम। सर ये ऐसे कैसे है मुझे वो पूछने के लिए सब आगे हैं, सर ये कैसे बताओ पहले। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, एक ही दिखाता हूँ तो आपका ये नहीं हो जाएगा। ऐसे सर्कुलेटिंग करंट चालू होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन द एडी करंट्स? ओके, कैसे डिफाइन करेंगे? द सर्क्यूलेटिंग करंट इंड्यूस्ड ऑन द मेटल सरफेस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस आर कॉल्ड एज एडी करंट्स। सो दे आर सर्क्यूलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस्ड ऑन मेटल सरफेस due to what, due to change in magnetic flux linked with the
सरफेस। क्या बोलने का? एडी करंट्स। क्या बोल सकते हैं? एडी करंट्स। सो दे आर द सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द मेटल सरफेस ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। उनको क्या बोलते हैं? हम एडी करंट्स बोलते हैं। ओके, सो यू मे नोट डाउन दैट। सो एडी करंट होने से क्या होता है? तो एक तो उसका एडवांटेज होगा और डिसएडवांटेज होगा। तो हम सीखेंगे उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट। पहले एडवांटेजेस सीखते हैं एडी करंट। तो क्या होता है, जो ये एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, वॉट एवर द एडी करंट्स आर प्रोड्यूस ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द एडी करंट्स लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। क्या होता है आपका सर्फेस, जहाँ पे सर्फेस है बहुत बहुत एकदम वेरी नियर टू ईच अदर द करंट्स आर सर्कुलेटिंग। क्योंकि क्या होता है, अपना जो कॉइल होता है, देखो ये कॉइल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इस एरिया तक, एरिया नहीं बोल सकते, ये जो जितना विड्थ है इसका उतना ही करंट वहाँ पे, उतने ही विड्थ में करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन मेटल सरफेस पे आप कैसे देखोगे, अब ये सरफेस है तो यहाँ पे करंट कैसे दौड़ेगा? तो वो क्या करता है, हर एक सरफेस को एक वो कॉइल की तरह ऐसा एक 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 करंट मिल जाते हैं। तो क्या होता है, पहला एक एडवांटेज होता है, वो क्या होता है, एडी करंट जो होता है दे ऑल्सो अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो दे अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू विच क्या होता है, दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट ऑन मेटल सरफेस। तो ये मेटल सरफेस है, उसको बहुत बड़ा एकदम हीट कर देते हैं वो। तो ये इसका एडवांटेज भी बनता है, डिसएडवांटेज भी बनता है। तो एडवांटेज में क्या है, ये फिनोमिनन यूज करके हम अपना फर्नेस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फर्नेस। तो इंडक्शन फर्नेस जो बोलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में हायर डिग्री ऑफ टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए जो इंडक्शन फर्नेस करते हैं, तो क्या करते हैं, एक सरफेस लेते हैं, एक उसको कंटेन, क्या बोलते हैं उसको, रूम लाइक स्ट्रक्चर में उसको अंदर भेज देते हैं और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको लेने का, इसको एक राउंड टेबल पे बिठाने का, यहाँ पे नॉर्थ रखा और यहाँ पे साउथ रखा और इसको घुमाया, ये मेटल सरफेस को घुमाया, तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है। नहीं तो उल्टा किया, ये असेंबली फिक्स किया और ये जो मैग्नेट्स है ये राउंड में उनको घुमाया, तो क्या हो जाएगा अभी, इट विल चेंज द फ्लक्स इन द विजिनिटी ऑफ दिस। ड्यू टू दैट ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, एडी करंट्स आर डेवलप्ड ऑन द सरफेस एंड ड्यू टू द एडी करंट्स व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर ऑफ दिस मेटल विल इंक्रीज ट्रिमेंडसली ड्यू टू विच वी कैन गेट द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन फर्नेस। रिकेटिंग माई पॉइंट। ओके, अभी इसका डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ, लेकिन वो बाद में बताएंगे, पहले एडवांटेज कंप्लीट करते हैं। यही डिसएडवांटेज भी बनता है, दूसरा होता है एकदम वेरी पॉपुलर, उसको बोलते हैं, कौन सा है वेरी पॉपुलर, तो
आपने ट्रेन देखा होगा, लोकल ट्रेन इन मुंबई, है ना, मुंबई लोकल ट्रेन। तो ब्रेकिंग जो होता है उनका, लोकल ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम, तो उस ब्रेकिंग सिस्टम में ये एडी करंट का यूज होता है। ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ट्रेन्स क्यों होता है ये, तो आपको मालूम है, ट्रेन को अपने गाड़ी जैसे टायर नहीं होते। हाँ, टायर पंचर हो गया वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेन को होते हैं व्हील्स। क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं। तो व्हील्स कैसे होते हैं? दिखने में ऐसे होते हैं। ये थोड़ा आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ, व्हील कैसे दिखते हैं वो। तो वो व्हील होता है ऐसे, मतलब ऐसे। में थोड़ा ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए, आर्किटेक्चर वालों के जितना मेरे को अच्छा नहीं आएगा। तो ये व्हील क्या होता है, बराबर रेल के ऊपर उसको पकड़ के रखते हैं ऐसा। तो व्हील जो होता है अंदर में ऐसा होता है थोड़ा सा ऐसा, और वो बेस को बराबर पकड़ते और आगे चलते। नाउ व्हाट हैपेंस, सडनली सम ऑब्स्टेकल इज देयर एंड आई हैव टू स्टॉप माय ट्रेन। मतलब सडनली, मतलब एकदम, एक एक मीटर पे, 2 मीटर पे ऐसा नहीं, सामने मेरे को दिख रहा है अभी मेरे को ट्रेन स्लो करना है, तो अपन को ब्रेक अप्लाई करना पड़े। तो गाड़ी होती है तो गाड़ी में मैक्सिमम कितना, 2 व्हीलर को 2, 3 व्हीलर को 3, 4 व्हीलर को 4 और एंड सो ऑन। ट्रक भी हो जाए तो 10 पहिए, 8 पहिए, 16 पहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 16 दे, हाँ 16 टायर। ट्रेन को तो, ट्रेन का कितना हो जाएगा। तो उसके लिए एक को नहीं ब्रेक करना है, सबको ब्रेक करना है और एक साथ ब्रेक करना है। सो सच सच सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस सो दैट ब्रेकिंग विल बी पॉसिबल। सो इन दैट व्हाट व्हाट दे डू, दे यू टेक द यूज ऑफ एडी करंट। सो व्हाई, बिकॉज आई टोल्ड यू, वंस द एडी करंट्स आर स्टार्टेड ऑन द सरफेस, दे ट्राई टू चेंज, ट्राई टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। ओके, सो व्हाट हैपेंस, दे आर मेटेलिक। ओके, दे आर मेटेलिक। तो ये इसके बाहर अंदर वो क्या करते हैं, एक कॉइल, कॉइल नहीं ऐसा, हाँ दोनों साइड से कॉइल लगाते हैं। ओके, और जब उनको ब्रेक लगाना पड़ता है तो एक बटन होता है उसको प्रेस कर देते हैं, बटन को प्रेस कर देते हैं। वो होने के बाद एक थोड़ा सा, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ करंट विल गो थ्रू द कॉइल्स, और उसके ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, द मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर उसके आजू बाजू में करंट है और वो खुद मूव कर रहा है और खुद मेटेलिक है ना, सो वॉट एवर द कॉइल्स विल मेक द मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो वो मैग्नेटिक फील्ड आजू बाजू में उसके होता है और वो घूमने लगता है। ड्यू टू दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वॉट विल हैपन, हियर दिस इज द मेटल सरफेस, सो सर्कुलेटिंग करंट्स विल स्टार्ट। बट हाउ दे विल स्टार्ट, अगर ये पहिया ऐसे घूम रहा है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो मेरा एडी करंट कैसे हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड इट विल ट्राई टू अपोज, इट विल ट्राई टू अपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड। और वो होने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली वहां पे करंट है, अगर करंट आपका हीट प्रोड्यूस कर सकता है तो उसका जो मोशन है मेटल सरफेस का, उसको भी स्टॉप करने में उसका बहुत हेल्प होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एडी करंट्स, वो एडवांटेज हो गया। अभी डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज में क्या आता है, यही जो आपका, ये जो मैंने बोला कि हीट होता है सरफेस, तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है ना, ट्रांसफॉर्मर होता है आपका, फैन है, फैन भी मालूम है आपको, फैन है, रेफ्रिजरेटर से। तो ये सब में आपकी कॉइल होती है, कॉइल इज देयर योर नोइंग। तो कॉइल में क्या होता है, और सरफेस भी होता है उसको। तो फैन अगर लंबी देर तक चलता रहे तो हीट होता है, वो ओनली, नॉट नॉट ओनली ड्यू टू एडी करंट्स एंड ऑल, इट इज वन ऑफ द रीजन, लेकिन ट्रांसफॉर्मर आपने देखा हो। ओके, सो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, कॉइल वाउंड किया होता है,
किस सरफेस पे? सॉफ्ट आयरन कोर पे। तो बस जब कॉइल वाउंड है एंड एसी ट्रांसफार्मर, व्हाट इट विल डू? रेक्टिफायर, इट विल बी यूज एज अ रेक्टिफायर। अपने सेमीकंडक्टर टॉपिक में हम सीखेंगे उसको। तो अभी के लिए सीखो ट्रांसफार्मर में हीटिंग होता है, अर्गेटिंग में पॉइंट, उसके वजह से कभी कभी फ्लक्स लॉसेस भी होते हैं। ओके, सो हीटिंग इफेक्ट ट्रांसफार्मर में होता है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी होते हैं, ड्यू टू जहाँ जहाँ सरफेस है वहाँ, और जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का ये है आपका पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे एडी करंट्स तैयार होते हैं एंड ड्यू टू एडी करंट्स द सरफेस गेट्स हीटेड। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एडी करंट्स एंड मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड। एंड इन टुमारोज लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ वन न्यू कंसेप्ट, वेरी फ्रेश फ्रेश कंसेप्ट, दैट इज द सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, आउट ऑफ द टू प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्व, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू द लेक्चर वंस, इफ टाइम परमिट्स यू then twice thrice see the lecture properly, make your own notes, stay home, stay safe, study hard. Thank you, bye.